हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग इस वीडियो में ऑटो कैड कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में देखेंगे। और उसके लिए अपना एक स्टूडेंट यहाँ पर आया है जिसका नाम समर्थ है, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर का। सो वो आज यहाँ पर लैपटॉप लेके आया है और देखेंगे कि ऑटो कैड कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि सर ऑटो कैड कैसे डाउनलोड करना है समझ में नहीं आ रहा है। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो गूगल में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट साइड दिख रहा है आपको ऑटो कैड फॉर स्टूडेंट्स, नहीं फिर से यही आ रहा है, सेकेंड पर जाके देखते हैं ऑटोडेस्क एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सेस, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। यस, इसके ऊपर क्लिक करना था। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो गेट स्टार्टेड करके आ रहा है, गेट स्टार्टेड। एक्चुअली यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, विजिट अवर इंडिया साइट एंड स्टे ऑन अवर यूनाइटेड स्टेट साइट। आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साइट पर ही रहना है, इंडियन साइट के ऊपर नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको आपका मेल एड्रेस वगैरह ये सब डालना है। यस यस समर, आपका जीमेल आईडी यहाँ पर लगेगा। इस मेल आईडी पर आपको एक साल का वैलिडिटी मिलेगा। यस, आई एग्री पर क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू। यस, यहां पर आपको मेल आईडी फिर से टाइप करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, देन पासवर्ड। साइनिंग पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, साइन इन करने के बाद अब यहां पर एजुकेशनल रोल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट, फिर उसके बाद कंटिन्यू। प्लीज एंटर वैलिड बर्थ डेट, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो 20 अप्रैल। यस, हमें इसके ऊपर जाके क्लिक करना था। सो 2005 ना, सो 2005 देन अप्रैल में जाना है एंड 20। सो एक्चुअली इसमें पहले मंथ डालना था और फिर उसके बाद डेट डालना था। नेक्स्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कंट्री पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इंडिया पर क्लिक करो। फिर उसके बाद एड्रेस में जस्ट थाने टाइप किया तो भी चलेगा, या फिर आपका जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर टाइप करना है। नेक्स्ट सिटी में अगेन ठाणे, देन पोस्टल कोड, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर पिन कोड पता है आपको। यस, सो पिन कोड के बाद आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, केसी कॉलेज ना। यस केसी आ गया, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यस,
अब इसके बाद आपको स्कूल का वेबसाइट यहाँ पर डालना है। अब वेबसाइट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, तो टेंशन मत लो। यहाँ पर एक नया विंडो ओपन करो, जहाँ पर फिर से गूगल पहले सर्च करो। नेक्स्ट, अब समर्थ के कॉलेज का नाम है केसी कॉलेज, तो केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ठाणे। अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, खाली क्लिक करा सर। यस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट ओपन हुआ है, एक्चुअली ये हमें वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करो एंड देन कॉपी लिंक एड्रेस। इस वेबसाइट पर जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद राइट साइड क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करो एंड देन कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर पेस्ट करो। नेक्स्ट, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डेट। अभी आपका जो सेमेस्टर 2 है वो कब ख़त्म होने वाला है? जून में ख़त्म होने वाला है, बराबर। सो मंथ एंड ईयर, सो मंथ आएगा 6th ना, 6th, एंड देन नेक्स्ट आएगा 2024। ओके, 2024, यस। अब इसके बाद आपको दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कंफर्म एलिजिबिलिटी यूजिंग योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रेडेंशियल, यस, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है, नेटवर्क इशू रहेगा ऐसा। यू आर अनेबल टू साइन, वेरीफाई योर अपलोडिंग क्वालिफाइंग डॉक्यू। हाँ, ओके, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद, हाँ, यस। अब इसके बाद देखो, यस, अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, हाँ, यहाँ पर आने के बाद आपका आईडी जो है, कॉलेज का आईडी, या फिर आपका जो फीस रिसिप्ट रहेगा उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने इसका आईडी का पीडीएफ डेस्कटॉप पर रखा है, तो डेस्कटॉप पर जाने के बाद उसका आईडी का पीडीएफ है यहाँ पर, यस, आईडी कार्ड। सो यहाँ पर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस, यस, ये तो हमने सब एक्सेप्ट किया था, एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यस। सो प्रोसेस टू वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी फॉर ऑटोडेस्क एजुकेशनल एक्सेस हाउ हैज़ नाउ स्टार्टेड। 48 आवर्स में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता है, विद इन 2-3 मिनट्स ये सब कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लिए हमें अपना मेल आईडी चेक करना है। सो मेल आईडी यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा। सो आपका यहाँ पर मेल आईडी, परत गूगल टाइप करून तिकडे यस, ऑप्शन गूगल येईल। टाइप करेंगे, यस, गूगल टाइप करने के बाद यहाँ पर, यस, साइन इन, इकडे हां। नहीं, यहाँ पर, तो इसके ऊपर मेल, ओके, मेल के ऊपर क्लिक करेंगे। एक नहीं, मिनट, ये तो बैक याहू का आ गया, मैं जीमेल का चाहिए था। गूगल दबा एकदा, हाँ, यस, गूगल पर पता ही जाएंगे, कर। यस। अब यहाँ पर जीमेल जो है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे,
अब इसको मेल आ चुका है देखो ऑटोडेस्क की तरफ से. सो ये मेल ओपन करेंगे एंड गेट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे. गेट प्रोडक्ट्स मेल आईडी जो आपने वहाँ पर डाला था वहाँ पर एक मेल आएगा. हो सकता है वो मेल स्पैम में भी जा सकता है अगर किसी को नहीं दिख रहा है. यस यू आर कंफर्म करके आ गया देखो. तो वेरिफिकेशन कंफर्म हो चुका है उनका. यस देन गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर. जब तक ये प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपको ऑटोकैड डाउनलोड करने का इंस्टॉल करने का एक्सेस नहीं मिलेगा. चलो हमें एक्सेस तो मिल चुका है. अब इसमें जो 47 प्रोडक्ट्स है उसमें से हमें कौन सा चाहिए. सो ऑटोकैड चाहिए. ऑटोकैड ऑटोकैड फॉर मैक के लिए भी ऑप्शन है. किसी के पास अगर मैकबुक है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पर. लेकिन अभी हमारे पास मैकबुक नहीं है ये तो विंडोज़ के लिए हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं. तो ऑटोकैड फॉर विंडोज़ गेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो एंड देन इंस्टॉल के ऊपर. अभी यहाँ पर देखो ऑटोकैड 24 का हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे पास और भी ऑप्शंस है 23 का भी है 22 का भी है 21 का भी है. लेकिन हम लोग लेटेस्ट वाला अपलोड यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल करेंगे. सो आपको जस्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा. यस इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पर आपको दिखेगा. यहाँ पर यस यहाँ पर वन डाउनलोड इन प्रोग्रेस यहाँ पर दिख रहा है देखो. सो डाउनलोडिंग चालू है अभी. डाउनलोडिंग कंप्लीट के बाद अभी ये स्कैनिंग करेगा आपके लैपटॉप में जो भी एंटीवायरस आपने इंस्टॉल करके रखा है वो पहले स्कैन करेगा. यस तो ये ऑटोकैड जो डाउनलोड हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो एंड देन यस के ऊपर क्लिक करना है. नेक्स्ट अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. इसके लिए हार्डली 2 या 3 मिनट लगेगा. अब आपने इसके लिए जो लैपटॉप लिया है वो 64 बीट का होना चाहिए. 64 बीट एंड 8 GB रैम अगर है तो आप ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एकदम स्मूथली यूज़ कर सकते हो. और जनरली होता है अभी 10-15 साल पहले जो लैपटॉप आते थे उसमें 4 GB रैम रहता था. लेकिन अभी जनरली सबके पास जो लैपटॉप है वो 8 GB रैम का ही है एंड 64 बीट का ही है. 32 बीट अगर है 32 बीट तो वो नहीं चलेगा इसके लिए. चलो इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी. समर्थ आज कॉलेज से आ गया था जल्दी और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ. थैंक यू वेरी मच. कोई नहीं सर. बस एक बार इंस्टॉल करने से पहले अपना जो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स है सिस्टम सेटिंग्स उसमें आगे एक बार चेक कर लिए कि 32 बिट या 64 बिट है या फिर अपने मॉडल का नाम गूगल पे डाल के चेक कर लो कि वो कौन से बिट का है वरना आपका सारा मेहनत ये चला जाएगा. बराबर ओके. तो अभी इंस्टॉलेशन हो गया है. यस देन इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल करके एक ऑप्शन आ रहा है देखो. चलो तो स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन. एक्चुअली ये 95% इंस्टॉलेशन होने के बाद आप लोग इमीडिएटली ये ऑटोकैड यूज करना शुरू कर सकते हो. ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको लेकिन एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप लोग इसको एकदम स्मूथली यूज़ कर सकते हो ऑटोकैड. अभी 8% हुआ है. इसके लिए आपके पास जो भी इंटरनेट फैसिलिटी है वाईफाई कनेक्शन है उसके स्पीड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. अगर आपके पास अच्छा खासा स्पीड है तो ये इंस्टॉलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा या फिर आपका सिस्टम उतना पावरफुल होना चाहिए.
अभी सिर्फ 11% हुआ है। अभी इस स्टूडेंट वर्जन का जो एक्सेस है वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। अभी अगर आप किसी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर फिर से ये ऑटो कैड की ज़रूरत है तो मेल सेम मेल आईडी के ऊपर आप लोग ये फिर से डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर हम लोग नया मेल आईडी तैयार करेंगे और फिर से ये सब प्रोसेस फॉलो करेंगे। यस, तो अपना यहाँ पर 85% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, देखो, यू कैन स्टार्ट द प्रोडक्ट वाइल इंस्टॉलेशन कंटिन्यूज, मतलब अभी भी 10-13% इंस्टॉलेशन बाकी है, फिर भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो भी काम है वो शुरू कर सकते हैं, मतलब ये ऑटो गाइड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। You can start the product while installation is continue. चलो तो मैंने start के ऊपर क्लिक किया है, हाँ yes, 100% installation हो चुका है। Yes, अब finish के ऊपर क्लिक कर देंगे। Finish के ऊपर क्लिक कर दिया है और अपना ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो अभी ओपन हो रहा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ये हम लोग ओपन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार ये सब अच्छे से इंस्टॉल हो गया, शॉर्टकट तैयार हो गया। यस, अब यहाँ पर साइन इन विथ योर ऑटोडेस्क आईडी, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से एक आपका मेल आईडी यहाँ पर डालना पड़ेगा, डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपने जो पहले डाला था वही यहाँ पर है, ऑटोमेटिकली आ गया। एंड देन पासवर्ड टाइप करना है। देन गो टू प्रोडक्ट, ये जो पासवर्ड है ये क्लोज कर दो इसको। And then, yes, always allow accounts. उसके ऊपर क्लिक किया and then open. Yes. So, अब यहाँ पर यह data privacy का एक option आ गया. Yes. अब इसके ऊपर okay button पर क्लिक किया मैंने. अब पूरा process complete हो चुका है. इसको मैं close करता हूँ. अब आपको starting से बताता हूँ. मैंने पूरा ये सब जो भी विंडोज़ ओपन किए थे वो सब ओपन क्लोज कर दिया है। अब देखो डेस्कटॉप के ऊपर ऑटो कैड यहाँ पर शॉर्टकट आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ऑटो कैड का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यस, सो ऑटो कैड 2024, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर 2024 23 22 21 कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहता है क्या, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, माइनर से डिफरेंस होते हैं लेकिन इतना कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करना चाहिए। यस, अब ये ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू के ऊपर जाना है। सो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करना है। यस, अब यहाँ पर आने के बाद अब आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। यस, ये क्लोज कर दो। अब यहाँ पर आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हो, जो भी लाइन ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, अब ये आगे कैसे यूज़ करना है इसके रिलेटेड वीडियोस तो मैं पोस्ट करने ही वाला हूँ। एक पोस्ट ऑलरेडी किया भी है, देखो
लेक्चर वन जो है टाइप्स ऑफ लाइंस करके, आज ही मैंने दोपहर को एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर। सो वैसे ही हम लोग और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाले हैं यूट्यूब पर, ऑटो कैड में अलग अलग आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज मुझे लगता है कि सबका डाउट क्लियर हुआ रहेगा कि ऑटो कैड एक्चुअल में कैसे इंस्टॉल करना है, एकदम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इधर उधर से तो इन्फॉर्मेशन मिलता है लेकिन जब एक्चुअल में वो सब इंस्टॉल करने जाते हैं तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन आज हमने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था। सो समर्थ, मुझे नहीं लगता कि समर्थ ने ये पहले कभी इंस्टॉल किया था, नहीं तो समर्थ ने ये पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने एकदम ईजिली ये सब प्रोसेस कम्प्लीट कर दिया। सो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हुए रहेंगे। और मैं फिर से एक बार समर्थ को थैंक यू बोलूँगा। यस, मैं फिर से एक बार समर्थ को थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उसने उसके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और वो जैसे ही कॉलेज छूटा उसका इमीजिएटली वो यहाँ पर आ गया और हमने ये सब वीडियो रिकॉर्ड किया। सो थैंक यू समर, थैंक यू। केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है समर, सेमिस्टर टू का, और पिछले जो चार पांच लेक्चर्स उसने अटेंड किए हैं, हर लेक्चर के बाद वो आके मुझे मिलता है और अपना ड्राइंग बुक मुझे दिखाता है और पूछता है कि सर ये ड्राइंग्स मैंने कैसे बनाए, इसमें कुछ करेक्शन है क्या और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे। तो ये हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ तो टिप्स लेके ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच समर्थ, थैंक यू। और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। थैंक यू।